हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम गाइस, इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स। आज देर रात क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, क्या है उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, और नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, उनके एक्शंस क्या होगा, उनका प्लान्स क्या है, आप दोनों के बीच नेक्स्ट क्या होगा, यही चेक करने की कोशिश करेंगे। ऑल साइंस रीडिंग है, आप सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है? तो चलिए उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप, साथ में यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लें कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस से आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनका लेट नाइट थॉट्स क्या है, आज देर रात क्या सोच रहे हो उनके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में, जो क्वेश्चन मेरे व्यूवर्स के मन में है उनकी फीलिंग्स क्या है, निकल है हारमनी। ओके, जिनसे आप डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को ग्रैप कर लेते हो, आप दोनों महसूस कर लेते हो कि सामने वाले पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है? आपका एहसास हो जाता है, आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स में आ रहे हो कंटिन्यूसली, ऐसा हो सकता है या आप दोनों को या आपको रिपीटेटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पार्टनर या तो आपकी ओर आ रहे हैं। अगर आपका सोल इनसे कनेक्टेड है, सोल टू सोल कनेक्शन है, तो आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि आपकी ओर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आ रहे हैं आपकी ओर, ठीक है? आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हुए एक खुशी, एक पीस ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से प्लान्स बना रहे थे आपसे मिलने का, यूनियन का, आपको कमिटमेंट देने का, काफ़ी सालों से, महीनों से इस पर्सन ने आपको इंतज़ार कराया है, वेट कराया है। इनका एनर्जी ऐसा था कि पहले मुझे मेरा कैरियर चाहिए, कैरियर पर फोकस करना है, कैरियर में सक्सेस चाहिए, और अब ये पर्सन सक्सेसफुल पर्सन बनकर आ रहे हैं, ऐसा चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, कोई देश से लौट रहे हैं, कोई प्लेस से लौट रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ये तो बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है? आपका जो इंतज़ार है, आप दोनों का जो इंतज़ार है मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर अपने प्लान को लेकर या जो ये करने वाले हैं आपके साथ उसको लेकर मुझे बहुत हैप्पी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, इनको सुकून मिल रहा है आपके बारे में सोचकर कि फाइनली अभी पर्सन आपके ओर जाने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं, या ये पर्सन वो करने वाले हैं जो ये चाहते हैं एक्चुअल में। क्योंकि हो सकता है कि पहले इनका कुछ प्लान्स था बट बीच में चेंज करना पड़ा क्योंकि कैरियर को सेटल करना था, अभी पर्सन सेटल होकर लौट रहे हैं, कंप्लीशन के लिए लौट रहे हैं, क्योंकि हारमनी आया है, टेन आया है, ऑर्डरिनेश, ठीक है? तो मुझे आपके पार्टनर आपकी ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्लान है इनका जिसको फुलफिल करेंगे, ये अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई स्टेप लेने वाले हैं, ये जो भी इनका ड्रीम था आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर ही था, तो ये सोचकर काफ़ी मुझे सुकून, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? और क्या इनकी फीलिंग्स, और क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं। आपके बिना इनका दिन बहुत थका देने वाला होता है, इनका दिन, इनका सिचुएशन, जो खुशी, जो सुकून इस पर्सन को आपसे मिलता है, आपके पास होने से, आपके टच से, आपके कॉन्टैक्ट से, आपकी वॉइस से मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। आपके पार्टनर बदलाव चाहते हैं, बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द ये लाएंगे भी, ठीक है? और क्या इनकी फीलिंग्स, और क्या सोच रही पर्सन आपके बारे में, आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहिए इस पर्सन को चेंजेस के लिए, बदलाव के लिए, कंप्लीशन के लिए, एक होने के लिए, शादी के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन इंगेजमेंट चाहते हैं आपसे या तो मैरिज चाहते हैं, ठीक है? मुझे कंप्लीशन, फोर ऑफ वांड्स मिला है, चेंजेस मिले हैं, मैं यहाँ पर 10 10 नंबर देख पा रही हूँ, यहाँ पर 10 और 10 आए आप देख पा रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है जल्दी आप दोनों का इंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए, शादी की बात चले, आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि आप फील कर रहे हो काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी लाइट, आपको कोई अलग ही तरह का खुशी महसूस हो रही है क्या, क्या फील कर पा रहे हो? जिन लोग का यूनियन होने जा रहा है, कंप्लीशन होने जा रहा है, या जो लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो आप लोग, ठीक है? तो आप एक अलग ही तरह का खुशी पीस महसूस कर रहे होंगे, ये तो बहुत जल्द करोगे आप, जब आपका कंप्लीशन होने वाला होगा। यस, जब आपका कंप्लीशन आपके पार्टनर के साथ होने वाला होगा, यूनिवर्स आपको साइंस देंगे,
आपको रिपीटेटिव नंबर दिखाई देंगे, आपको एक अलग ही खुशी पीस महसूस करोगे आप, ठीक है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं यही देख पा रही हूँ, ये चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, और आपका सपोर्ट चाहिए इनको, ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं अगर आप दोनों मिलकर करते हो, वर्क करते हो इस रिश्ते में, तो ज़रूर आप दोनों एक होंगे। अब आपका पार्टनर आपका साथ देना चाहते हैं, हो सकता है आपके रिश्ते में एफर्ट्स आपके साइड से ज़्यादा रही है, तो अब ये पर्सन अपने साइड से एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर किसी बात को लेकर मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या दूरियां हैं आप दोनों के बीच, तो ये जो चेंजेस आया है, बदलाव आया है, नो कांटेक्ट हुआ है, या शादी टूटा है, शादी होते होते टूटा है, या शादी तक पहुँचते पहुँचते आपका रिश्ता टूटा है, ये इनकी खुद की वजह से है, ठीक है। इस पर्सन ने क्या कर दिया, इस पर्सन से बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो गई है, आज ये पर्सन दुखी हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, मुझे बहुत सैड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपको रिजेक्ट करके, आपसे दूरियां बनाकर, आपको खुद से अलग करके इनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में दुख दर्द पेन के अलावा कुछ भी नहीं है, आंसू के अलावा कुछ भी नहीं है, रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं है, बस रिग्रेट कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आपको मिस करके बस रो रहे हैं आपकी यादों में, ठीक है। एक तड़प है इस पर्सन की एनर्जी में, अगर ऐसा कुछ है, चेंजेस चाहिए इनको, बदलाव चाहते हैं ये, ठीक है। इनकी मिस्टेक्स की वजह से अगर बदलाव आ भी गया आप दोनों के रिश्ते में, पहले जैसे नहीं रहा, तो अब ये ऐसा बदलाव चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस चाहिए अब इनको, ठीक है। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स दिखाई दिए है, और चेक कर लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं सभी कार्ड्स को। यूनिवर्स मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं राइट नाउ क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, मुझे हारमनी को क्लियर किए से, क्या इनके पार्टनर इनके साथ कंपटीशन चाहते हैं, मुझे बताएं यूनिवर्स, क्या इनके पार्टनर इनके साथ कंपटीशन चाहते हैं। डेफिनेटली चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ऑब्सेशन है यहाँ पर, पजेसिव नेचर है यहाँ पर, एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग वाला एनर्जी है, पर वो गुड वे में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, गुड हेल्दी वे में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग पजेसिव नेचर है तो एक हद तक है, ठीक है। ऐसा है कि दूसरे वाले पर्सन को हार्म ना करें, ठीक है, नहीं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हार्म ना पहुँचाए, ऐसा पजेसिव नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और इनको काफ़ी अच्छे से पता है आप जैसा प्यार करने वाला इनको कभी दुनिया में मिल नहीं सकता, और न ही ये पर्सन दुनिया में किसी और से आपके जितना प्यार कर सकते हैं। इनको कभी आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं होने वाला, आपके अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकते, इस लाइफ टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपके पार्टनर का करेंट थॉट्स है, करेंट एनर्जी है, चाहे जितना मर्जी आप दोनों के बीच फाइट हो जाए, लोगों का इंटरफेयर हो, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या ट्रस्ट इशू हो, डाउट वाले एनर्जी हो, बट आप दोनों का जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, तो यस कंप्लीशन चाहते हैं आपके पार्टनर, बहुत इमोशनल हो रहे हैं राइट नाउ, अच्छी अच्छी चीज़ें के बारे में जो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका प्यार करना, केयर करना, जो इस पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स किया है, आपका प्यार पाने के लिए किया है, और आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ इनको अट्रैक्ट कर रही है कि आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, इनसे प्यार करते हो, तो आपका प्यार ही आपके रिश्ते में कंप्लीशन ला रहा है, ठीक है। आप दोनों का प्यार, सिर्फ आपका प्यार नहीं कहूँगे, क्योंकि जितना प्यार आप इनसे करते हो, ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे क्लियर कैसे, यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर कैसे, किंग ऑफ वर्ड्स, आपके पार्टनर ने जान लिया है आपके रिश्ते में चेंजेस के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर अपनाना होगा, इस पर्सन को एक्शंस लेना ही होगा प्लान्स के साथ।
मुझे आइडिया प्लान्स के साथ ये पर्सन वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जिससे आपके रिश्ते में बदलाव आएगी। पार्टिसिपेशन को क्लियर कीजिए मुझे। क्या इनके पार्टनर इनके साथ शादी चाहते हैं? डेफिनेटली चाहते हैं। वाओ, अब क्या ही कहूँ मैं। फोर ऑफ वांड्स और हीरोफेंट, अरेंज तरीके से, यानी कि लव टू अरेंज मैरिज, ठीक है। और इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, बिल्कुल आपको पाने के लिए, आपसे शादी चाहने के लिए ये बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर इनके पास अच्छा करियर नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, तो ये मेहनत करेंगे। राइट नाउ अगर ये पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके पास जैसा करियर ये चाहते हैं वैसा इनके पास नहीं है, ये बहुत मेहनत करेंगे, पर आपसे ही शादी करेंगे। हो सकता है कि यही प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच, क्योंकि इनके पास अच्छा करियर नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, ये जॉबलेस चाहिए, तो ये मेहनत करेंगे, ठीक है। इस रिश्ते के लिए, खुद के लिए, आपके लिए ये बहुत मेहनत करेंगे, बट शादी तो आपसे ही करके रहेंगे। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स थॉट्स है, ठीक है। आपके पार्टनर को इंतज़ार है, अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं, इस पर्सन को इंतज़ार है कब शादी होगी, कब ये पर्सन आपकी ओर आएंगे। ये पर्सन सपोर्ट चाहते हैं फैमिली और फ्रेंड्स का भी, ठीक है, आपसे शादी करने के लिए, ये रिश्ता के लिए। ये मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके एनर्जी में। चेंजेस को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। प्लान्स बना रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, मिलने के लिए, बदलाव के लिए। मुझे आपके पार्टनर प्लान बनाते हुए दिखाई दिए हैं बदलाव के लिए। इस पर्सन को डिसीजन लेना है, वक्त आगे है डिसीजन लेने का। इनके ये एक फैसले से सब कुछ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो उसके बारे में मुझे डीप थॉट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सौरव क्यों है यहाँ पर, क्यों है यहाँ पर सौरव? आपके पार्टनर सोच रहे हैं राइट नाउ, जिस पर्सन से, जिस व्यक्ति से ये इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं, इतना प्यार करते हैं, करते थे, उनसे दूरी आ गई इनके खुद की मिस्टेक्स की वजह से, या डेस्टिनी में, किस्मत में लिखा था दूर होना, अलग होना, जो भी रीज़न हो। अगर इन्होंने खुद ही दुनिया बनाई, तब तो बहुत बड़ा वाले पछतावे में है, ठीक है। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि जिनसे ये शादी चाहते थे, जिनसे ये टूट कर प्यार करते थे, जिनको पाने के लिए, जिसका प्यार पाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, आज इनकी खुद की वजह से दुनिया आ गई, सब कुछ बदल गया। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो, तो आपका शादी टूटना इनको काफ़ी हर्ट कर रहा है, ठीक है। ये शादी टूटना, आपका रिश्ता टूटना, ये शादी तक जाते जाते रुक गई, ये फर्ज नहीं कि आपके पार्टनर ने कुछ करने की ज़रूरत थी, एक्शन लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर नहीं किया, तो आज बहुत दुखी है। ये फर्ज करना चाहते हैं आज, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो गए इनके लिए, नेक्स्ट इनके रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या हो गया इनके पार्टनर के एक्शन इनके लिए। थ्री ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मुझे क्लियर कीजिए। ओके, अगर आपके पार्टनर अपने करियर में स्टेबल नहीं हैं, इनके पास अच्छा करियर जॉब नहीं है, तो ये पर्सन सबसे पहले उसका तलाश करेंगे। ये पर्सन अपने करियर में सक्सेस पाएंगे, सक्सेसफुल पर्सन बनकर लौटेंगे, ठीक है। मैं अगर आपको बता देती हूँ, अगर इनके पास अच्छा जॉब करियर नहीं है, जॉबलेस हैं आपके पार्टनर, अपने पैर में खड़े नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले ये पर्सन इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। और जब इनके पास मनी पैसा आएगा, जब इस पर्सन के पास एक स्टेबल करियर होगा, तब लौटेंगे। तो अगर आज आपके पार्टनर के पास नहीं है, वे दूरियाँ बना रहे हैं, या तो बनाएंगे, ठीक है, या तब तक ये पर्सन आपसे दूरियाँ बनाएंगे, दूरियाँ क्रिएट करते रहेंगे, जब तक ये अपने पैर में खड़े नहीं हो जाते, जब तक ये पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ बड़ा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको शादी का कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, यूँ ही नहीं आना चाहते आपके पास, ठीक है। तो मुझे मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, करियर इशू, मनी इशू, ठीक है। तो सबसे पहले ये पर्सन ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है, इंडिपेंडेंट बनेंगे, सक्सेसफुल पर्सन होंगे जो, तब ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, और इनको ऑफर होगा डायरेक्ट शादी का, जूनियर यूनियन का, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, अगर आपके पार्टनर अपने कैरियर में स्टेबल नहीं है तो, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।